गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मिरेकल बोल में। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कि प्रतिरोध जो है ना वह किन किन फैक्टर पर इफेक्ट डालता है या कौन कौन फैक्टर है जो प्रतिरोध मीन्स रेजिस्टेंस पर इफेक्ट डालता है। ठीक बाबू, आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक बाबू, तो हम लिख भी दिए हैं, ठीक ना, लिखे हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी वह कौन कौन फैक्टर है बाबू जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस को प्रभावित करता है। ठीक बाबू, चलिए तो पहला हम देते हैं बच्चे, पहला पॉइंट लिखते हैं कि कंडक्टर का यानी चालक पदार्थ के लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान जो होता है बच्चे वह बढ़ता है, और लंबाई घटने पर प्रतिरोध का जो मान होता है बच्चे, ठीक बाबू, वह घटता है। मीन्स या कोई कंडक्टर मटेरियल, कंडक्टर वायर है बच्चे, ठीक ना, और इस वायर की अगर लंबाई हम बढ़ाएंगे बाबू, लंबाई बढ़ेगा बाबू, यानी चालक तार की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध का भी मान क्या होता है बच्चे, बढ़ता है, और इसका घटेगा बाबू तो यानी इसकी लंबाई लेंथ घटेगा बाबू तो प्रतिरोध का भी मान क्या होता है बच्चे, घटता है। प्रतिरोध चालक तार के लंबाई पर, ठीक बाबू, लंबाई पर निर्भर करता है, निर्भर करता है तो कैसे करता है बच्चे, आर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, है ना बाबू, निर्भर करता है, ठीक है, कि लंबाई बढ़ेगा तार का तो प्रतिरोध का भी मान बढ़ेगा। दूसरा देखते बच्चे, प्रतिरोध जो होता है ना बाबू, प्रतिरोध जो होता है ना तार के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर करता है, और उस समय इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये देखना बच्चे, इसको यानी कहो तो तार की मोटाई हो गया, मीन्स इसको कहा जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया कहा जाता है बच्चे, ठीक बाबू, ये जो गोल वाला जो है बच्चे, तो इसके एरिया पर भी क्या करते हैं बच्चे, प्रतिरोध जो होता है बच्चे वह निर्भर करता है, यानी प्रतिरोध जो होता है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक बाबू, यानी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा बाबू तो प्रतिरोध का मान घटेगा, और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया तार का घटेगा बाबू तो प्रतिरोध का जो मान होगा बाबू बढ़ेगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, कौन बाबू, प्रतिरोध होता है बच्चे तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का, ठीक ना, यानी प्रतिरोध जो होता है बच्चे चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है बच्चे, यानी डिपेंड रहता है ना बाबू, यानी प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है बच्चे, ठीक ना, यानी R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ वायर या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, यानी ठीक है बाबू, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करते हैं बच्चे, जो देख लो बाबू, इसी को कहा जाता है अनुप्रस्थ काट। जैसे मान लो, सपोज करो कि वायर है बाबू, तो वायर के ये जो गोल वाला जो देख लो बच्चे मोटाई इसका, ठीक ना, तो इसी के एरिया पर क्या करता है बच्चे, डिपेंड करता है, यानी अगर यह एरिया बढ़ेगा मीन्स तार की मोटाई बढ़ेगा बाबू तो प्रतिरोध कम होगा बच्चे, और तार की मोटाई कम होगा बाबू तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, यानी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक ना, एरिया ऑफ वायर हो गया। फिर बच्चे, प्रतिरोध जो होता ना वह चालक पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक ना, थर्ड में देते हैं बच्चे, प्रतिरोध, ठीक ना बाबू, चालक पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है,
प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक ना, निर्भर करता है, क्योंकि क्योंकि चालक पदार्थ अगर डिफरेंट डिफरेंट होगा बच्चे, डिफरेंट डिफरेंट प्रकृति का होगा, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक ना बाबू, और डिफरेंट मटेरियल का होगा बाबू, तो उसमें जो प्रतिरोध होता है ना वह डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो फाइनली आप कह सकते हो कि जो प्रतिरोध होता है बच्चे यानी रेजिस्टेंस होता है वह चालक पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी चालक पदार्थ के मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक ना बाबू। और नेक्स्ट पॉइंट देते हैं बच्चे, इसको हटाते हैं, अगला पॉइंट, चालक पदार्थ जो होता है बच्चे वह टेम्परेचर पर यानी तापमान पर निर्भर करता है बाबू। चालक पदार्थ प्रतिरोध जो है ना बाबू, प्रतिरोध तो रेजिस्टेंस जो होता है नोचे, ठीक ना, प्रतिरोध जो होता है वह चालक पदार्थ के चालक, ठीक ना बाबू, प्रतिरोध चालक पदार्थ के तापमान पर निर्भर करता है बच्चे, ठीक ना, यानी ठीक ना बाबू, यानी यदि चालक पदार्थ का टेम्परेचर, ताप बढ़ेगा बच्चे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप घटेगा बाबू तो प्रतिरोध घटेगा। लेकिन एब्सेक्शन में कुछ और भी मटेरियल है, जैसे अगर बात करो सेमी कंडक्टर का, तो सेमी कंडक्टर बच्चे, सेमी कंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें जो प्रतिरोध होता है बच्चे वह घटता है, और टेम्परेचर उसका घटेगा बाबू तो प्रतिरोध बढ़ता है, मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेमी कंडक्टर का, यानी सेमी कंडक्टर का है बाबू तो अर्ध चालक का, ठीक ना बाबू, अर्ध चालक का, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक ना बाबू, एंटीमनी हो गया, तो ये सब जो होता है बच्चे वह सेमी कंडक्टर है, मीन्स अर्ध चालक होता है, ठीक ना बाबू। तो यहाँ वो तो अपवाद में है बाबू, तो इस सेमी कंडक्टर को छोड़ करके बाकी जो है बच्चे, ठीक ना, बाकी मटेरियल में अगर तापमान बढ़ेगा चालक पदार्थ में बाबू, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा बच्चे, प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और चालक पदार्थ का तापमान घटेगा बाबू तो प्रतिरोध भी घटेगा, यानी चालक पदार्थ जो होता है बच्चे, या कह सकते हो प्रतिरोध जो होता है बच्चे वह तापमान पर निर्भर करता है चालक पदार्थ के, ठीक है बाबू। चलिए फिर अब काम करते हैं, समीकरण वन है और यहाँ समीकरण टू हो गया, और यहाँ समीकरण वन दिए हुए थे, ठीक ना बाबू, दोनों समीकरण को हम इक्वेटिंग करते हैं जरा ना, आप लिखोगे, ठीक ना, किन किन बातों पर निर्भर करता है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप लिखोगे कि चालक तार के लंबाई पर निर्भर करता है, पहला पॉइंट जो था बाबू, और उसमें आप लिखोगे कि यदि चालक तार की लंबाई बढ़ता है तो प्रतिरोध का भी मान बढ़ता है, और चालक पदार्थ का मान चालक तार की लंबाई कम होता है तो प्रतिरोध का भी मान क्या होता है बाबू, कम होता है, ठीक ना। अब दोनों समीकरण की इक्वेटिंग करते हैं, ठीक ना, समीकरण एक और दो से, ठीक बाबू, एक में क्या था देखो, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल था एक में, दूसरा में था आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक ना, एरिया था, एरिया ऑफ वायर था बच्चे, ठीक है, दोनों को करते हैं, ठीक है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a है ना बाबू, मीन्स आर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एल बाई ए हो जाएगा बच्चे। अब ई प्रोपोर्शनलिटी यानी समानुपाती नियतांक कहते बच्चे, ठीक ना, इसको हम हटा देते हैं और यहाँ लगा देते हैं रो, ठीक ना बाबू, और ई एल बाई ए हो जाएगा, रो जो है बच्चे, ठीक ना, समानुपाती नियतांक होता है, और यहाँ कहते बच्चे, ठीक ना, प्रतिरोधकता कहते हैं यहाँ पर, ठीक ना, और यहाँ R इजकल टू रो L बाई ए हो जाएगा बच्चे, जहाँ
रो जो है बच्चे ठीना समानुपाती नियतांक है बाबू, समानुपाती नियतांक है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं ठीक ना विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे या प्रतिरोधकता कहते बच्चे, ठीक ना बाबू, ठीक है। चलिए अब फिर बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से रो का मान निकालते हैं, यानी ठीक ना रो का मान यानी विशिष्ट प्रतिरोधकता का मान निकालते हैं बच्चे। तो रो बराबर बाबू यहाँ देखो होगा ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी ये हो जाएगा आर इंटू ए बटे में एल हो जाएगा बच्चे, और उस समय ये निकल कर आ जाएगा बच्चे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, यानी रो बराबर हो जाएगा बच्चे R इंटू ए बटे में L, ठीक बाबू, ए निकल कर आ गया बच्चे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, आप कह सकते इसको प्रति रोधकता या तो विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे, यानी रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक ना बाबू। देखो तो यानी ये हो जाएगा आर ए बटा एल हो जाएगा, ठीक ना बाबू, चले इसको याद करना आप, ठीक ना। अब इसका यूनिट की बात करें, किसका बच्चे प्रतिरोधकता का यूनिट देखते हैं बच्चे, इसका जरा मात्रक देखते हैं, ठीक ना बाबू, मात्रक देखते हैं बच्चे, यानी यूनिट यूनिट देखते हैं बच्चे। तो यहां देखो बाबू, रो इजकल टू है बच्चे आर इंटू ए बटे में एल हो गया बच्चे, इस साइज को इरेज कर देते हैं जरा। ठीक ना बाबू, देखते हैं आर आर रेजिस्टेंस हो गया बच्चे, और रेजिस्टेंस का होता है बच्चे ओम होता है बाबू, ओम का सिंबल इस तरह से होता है, ठीक ना। इनटू ए मीन्स एरिया हो गया बच्चे क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एरिया का होता है बच्चे मीटर स्क्वायर होता है, और एल मीन्स लेंथ हो गया बच्चे ठीक ना, तार की लंबाई हो गया, और लंबाई किस में बाबू मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, देन ये हो जाए बच्चे ओम मीटर, ठीक ना, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो होता है बच्चे ओम मीटर हो जाता है, ठीक ना बाबू, ठीक है। चलिए इसका कोई डिफिनेशन लिख देते इसका जरा, चलो देखो। तो बाबू विशिष्ट प्रतिरोध जो हम बताएं उसको लिख दिया बच्चे ठीक ना, चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले इकाई लंबाई के खंड का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, जैसे यहाँ देखो बच्चे ठीक ना आर बाई आर इंटू ए बाई एल, बाकी यूनिट पता है बच्चे, यूनिट जनरली पूछते हैं यहाँ से ठीक ना, यूनिट इसका होता है ओम मीटर होता है, ठीक ना बाबू। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, फिर पढ़ते हैं, ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बच्चे कि किसी सर्किट में रेजिस्टेंस को कैसे अरेंज किया जाता है, ठीक ना बाबू, कैसे उसको सजाया जाता है, कैसे प्रतिरोध को लगाया जाता है, ठीक ना बाबू। तो किसी भी सर्किट में प्रतिरोध को दो तरीक़े से लगाया जाता है, यानी रेजिस्टेंस को दो तरीक़े से लगाया जाता है, एक तो लगाया जाता है सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में, ठीक बाबू, और दूसरा लगाया जाता है बच्चे समांतर क्रम में, ठीक ना। आइए हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक बाबू, यानी प्रतिरोधों का समूह संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन,
ठीक बाबू। तो प्रतिरोध को दो तरीके से सजाया जाता है बच्चे। एक होता है बच्चे सीरीज में, यानी इसको कहेंगे बच्चे श्रेणी क्रम में, ठीक ना। दूसरा होता है बाबू समांतर क्रम में सजाया जाता है, समांतर क्रम में सजाया जाता है। दो तरीका से प्रतिरोध को सजाया जाता है, ठीक ना बाबू। अब श्रेणी क्रम किसको कहेंगे, मान लो बच्चे एक प्रतिरोध यहाँ पर है बच्चे, चलो एक प्रतिरोध यहाँ है, ठीक ना, ये एंड किया, ठीक ना। पहला प्रतिरोध एंड करेगा, फिर दूसरा प्रतिरोध यहीं से कनेक्ट किया जाएगा, ठीक ना। मान लो कि यहाँ एक पॉइंट देते हैं, ये ए था और ये बी था, बी एंड किया, फिर यहाँ से दूसरा लगेगा, ठीक ना, फिर यहीं से फिर नेक्स्ट प्रतिरोध जुड़ेगा। तो इस तरह से जो अरेंज किया जाता है बच्चे, इस तरह से जो सजाया जाता है बच्चे, उसी को कहा जाता है श्रेणी क्रम में कहा जाता है। मीन्स देखो यहाँ आर वन हो गया, आर टू हो गया और आर थ्री हो गया, अरे उसने, ठीक ना। अब मान लो कि आर वन हो गया, आर टू हो गया, आर थ्री हो गया, यह श्रेणी क्रम में है। लेकिन इसको अगर हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, यानी सबके बदले में एक ही निकालेंगे, तो सबको जोड़ देंगे, ठीक ना, सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। इक्विवेलेंट कहने का मतलब सर्किट में जितना रेजिस्टेंस पास कर रहा है बाबू, ठीक ना, जितना रेजिस्टेंस पास कर रहा है उस सब के बदले में, ठीक ना, कोई एक ही रेजिस्टेंस लेना, उस सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस कंसीडर करना, एक ही रेजिस्टेंस उस सर्किट में लगाना जो कि इस सभी रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट हो, सचमन बाबू, उसी को कहा जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा जाता है, जिसे कहा जाता है बच्चे समतुल्य प्रतिरोध कहा जाता है, ठीक बाबू। और यहाँ से आ जाएगा बच्चे, यहाँ देखो मान लो कि एक प्रतिरोध यहाँ लगा दिए बच्चे, दूसरा प्रतिरोध लगा दिए, तीसरा प्रतिरोध, समांतर क्रम तो समझ ही रहे होंगे बाबू आप, है ना, तो स्मार्ट हो ना बाबू आप, समझ रहे होंगे आप, मुझे पता है, ठीक ना। समांतर क्रम, समांतर पैरेलल उसको कहा जाता है बच्चे जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, ठीक ना बाबू। देखो मान लो R1 है और R2 है और R3 है, ये जो प्रतिरोध आप देख रहे हैं, तीन प्रतिरोध लगा रखे हैं इसमें, और यह तीनों प्रतिरोध एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा, देन ये तीनों प्रतिरोध जो है बाबू या एक दूसरे के समांतर है, ठीक ना बाबू। अब किसी सर्किट में कुछ ऐसे लगे बच्चे, इसको सर्किट में ऐसे अरेंज किया जाएगा, अरे वो सुने, ठीक है। तो यानी इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है कि जितना सर्किट आप, जितना आप प्रतिरोध लगा रहे हो, प्रतिरोध का इनिशियल पॉइंट जो होगा बच्चे, ठीक ना, इनिशियल पॉइंट जो होगा एक ही पॉइंट पर ज्वाइंट हो, और उसका एंड जो होगा बच्चे वो भी एक ही पॉइंट पर हो, ठीक ना। तो इसको भी कहा जाता है समांतर में, और समांतर तो आप समझ ही रहे हो, ठीक ना। तो अब इस सभी प्रतिरोध के बदले में एक ही प्रतिरोध अगर हम कंसिडर करेंगे, ठीक ना बाबू, एक ही प्रतिरोध कंसीडर करेंगे बच्चे, तो इसी को कहा जाता है इक्विवेलेंट प्रतिरोध कहा जाता है, यानी समतुल्य प्रतिरोध कहा जाता है, ठीक बाबू। तो आइए हम लोग आगे इसी को आगे लेकर बढ़ते हैं कि अगर प्रतिरोध को किसी सर्किट में श्रेणी क्रम में रखा जाएगा तो उसका इक्विवेलेंट प्रतिरोध क्या होना चाहिए, ठीक ना बाबू। और यदि यदि प्रतिरोध को समांतर क्रम में रखा गया होगा किसी सर्किट में, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चे, में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसको जरा देखते हैं, इसको निकालते हैं हम लोग, ठीक ना बाबू। चलिए आइए हम इसको इरेज करते हैं, उसके बाद डायग्राम बनाते हैं पहले, ठीक ना बाबू। चलो देखते हैं बाबू, देखो श्रेणी क्रम में संयोजन, श्रेणी क्रम में संयोजन उल्टा लिखा गया है, में संयोजन R1, R2 तथा R3 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक ना। यानी किसी सर्किट में तीन प्रतिरोध लगाया गया है और तीनों प्रतिरोध जो है ना बाबू वह श्रेणी क्रम में है। मीन्स इस तरह से चलो एक प्रतिरोध बच्चे यहाँ लगा दिए, दूसरा प्रतिरोध चलो यहाँ लगा दिए बच्चे, और तीसरा प्रतिरोध चलो यहाँ लगा दिए, ठीक ना। और इसको लाते इस तरह से, कुछ बड़ा हो गया, इसको छोटा कर देते, ठीक ना, बहुत बड़ा हो गया है, चलो कुछ छोटा करते, इधर से बनाते हैं,
चलो तीन प्रतिरोध हो गए बाबू। चलो इस तरह से सर्किट में इसको लगा दिया गया है, ठीक ना बाबू। इसका ए कर देते हैं और बी कर देते हैं, सी कर देते हैं और ये डी कर देते हैं, ठीक ना बाबू। और करंट तो करंट जो है आई पास करेगा, सभी से आई ही पास करेगा बाबू। ई हो गया बच्चे, आर वन हो गया, आर टू हो गया और ये आर थ्री। तीन प्रतिरोध लगा दिए बच्चे, ठीक ना। तीन प्रतिरोध है, ठीक है, सर्किट में श्रेणी क्रम में है बच्चे, ठीक ना। और इस सभी से करंट जो है ना आई ही पास कर रहा है, ठीक ना। आई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आई चेंज नहीं करेगा, यानी करंट जो है वह चेंज नहीं करेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है बाबू वह चेंज करेगा। क्योंकि आपको पता है बच्चे करंट फॉलो होता है बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही होता है, ठीक ना बाबू। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब तक रहेगा तब तक करंट फ्लो करेगा बाबू। तो यहाँ तो ए और बी के बीच मान लो बच्चे यहाँ इस तरह से लगा देते हैं, चलो इस तरह से यहाँ बी वन कर दिए बाबू, ठीक ना। और यहाँ कर दिए बच्चे बी टू कर लगा दिए और यहाँ बी थ्री लगा दिए। चलो तीन पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिए बच्चे, ठीक ना बाबू। यानी इसके बीच में बी वन पोटेंशियल, यानी ए से बी के बीच में बी वन है, बी से सी के बीच में बी टू है और सी से डी के बीच में बी थ्री है, क्योंकि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, डिफरेंट होगा ना बाबू। फिर देखो बी और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, ठीक ना बाबू। और सी और डी के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चे, ठीक ना बाबू। तो इसके बीच मान लिए बी वन मान लिए, ठीक ना बाबू। अब भी वन को आप लिख सकते हो ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ में क्या पढ़े बच्चे, भी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पढ़े थे ना बाबू, यानी भी बराबर आई आर पढ़े थे अरे समय, यानी भी बराबर आई आर पढ़े थे बाबू। तो यहाँ भी वन जो है तो भी वन को आप लिख सकते हो आई आर वन कर सकते हो, है ना, ठीक ना। और यहाँ जो है बच्चे भी टू को आप लिख सकते हो बच्चे आई आर टू कर सकते हो, या भी थ्री जो है बाबू इसको लिख सकते हैं आई आर थ्री कर सकते हो, ठीक ना। अरे वो समय और सभी के बीच में, ठीक ना बाबू, मान लो कि जितना यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बच्चे दैट इज भी वन है, भी टू है, भी थ्री है, सभी के बीच में एक ही पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं, भी पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं, तो भी अकेले सभी के बदले में एक ही ना पोटेंशियल डिफरेंस है बाबू, ठीक है। देखो यहाँ पर भी वोल्ट की बैटरी हम लगा रखी है यहाँ पर, ठीक ना, इलेक्ट्रिक सोर्स कहाँ बच्चे भी है, तो यहाँ भी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे भी वन भी टू प्लस भी थ्री हो जाएगा अरे समय। और यहाँ रेजिस्टेंस जो है ना बच्चे, मान लो यहाँ जितना प्रतिरोध लगा रखे हैं यहाँ सबके बदले में हम एक ही प्रतिरोध लगा दिए, चलो यहाँ पर देख लो सबके बदले में एक ही प्रतिरोध लगा दिए, ठीक है। और इस प्रतिरोध का नाम दे दिए आर ई, सभी प्रतिरोध के बदले में एक ही प्रतिरोध हो गया। और ठीक ना बाबू, सभी पोटेंशियल डिफरेंस के बदले में एक ही पोटेंशियल डिफरेंस भी ले लिए, अरे उस समय इसका मतलब भी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, इसका मतलब यहाँ भी बराबर आई आर, सॉरी यहाँ ई पॉइंट के बीच में निकले ना बाबू, यहाँ भी बराबर आई आर ई हो जाएगा, होगा क्या यहाँ पर अरे समय। चूंकि यहाँ विभवांतर भी बोल्ट यहाँ जो है बच्चे, ठीक ना, यहाँ विभवांतर जो है ये दोनों पॉइंट के बीच का विभवांतर कितना जा रहा है बच्चे, दोनों पॉइंट के बीच का विभवांतर भी ही तो है अरे समय। अगर इसको ए मान लो और इसको डी मान लो, तो ए डी के बीच में विभवांतर कितना बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और भी बराबर क्या हो जाएगा देखो, और भी बराबर हो जाएगा बच्चे आई आर ई हो जाएगा, होगा ना बाबू। भी बराबर देखो ये दोनों के बदले में हम एक ही भी ले लिए, ठीक ना बाबू, यानी दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या बच्चे भी है। और जितना छोटा 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 जो प्रतिरोध है बच्चे, यानी आर वन आर टू आर थ्री के बदले में हम एक ही प्रतिरोध आर ई ले लेते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट प्रतिरोध ले लेते हैं, तो इस दो पॉइंट के बीच का विभवांतर भी होगा और भी बराबर आई आर ई होगा, होगा बाबू। अर्थात यहाँ, ठीक ना बाबू, अब यहाँ हो जाएगा बच्चे, चल देखो सभी भी, यानी इस भी बराबर देखो ई भी और ई भी एक ही है बाबू, ठीक, भी बराबर देखो क्या हो जाएगा बच्चे भी वन प्लस भी टू प्लस में भी थ्री होगा क्या, और यहाँ हो जाएगा बच्चे आई आर
ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हो जाएगा बच्चे IR1 प्लस IR2, यहाँ जगह नहीं दिख रहा होगा, ठीक ना बाबू, ठीक ना बाबू। चल देखो इसको हम करते हैं, यहाँ पर बना देते हैं, देखो ठीक ना बाबू। तो देखो तो भी बराबर हम कर देते हैं बच्चे, या देखो V1 प्लस में V2 प्लस में V3, अर्थात ये V1 है, V1 बराबर देखो IR1 है ना बाबू, तो IR1 प्लस में IR2 प्लस में IR3, और V बराबर देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीन्स IRE इक्वल टू I का कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस में R2 प्लस में R3 II कैंसिल हो गया, यानी E निकल कर आ जाता है बच्चे, ठीक ना, निकल कर आ जाएगा RE इक्वल टू में R1 प्लस में R2 प्लस में R3, ठीक ना बाबू। यही प्रूव करना था बाबू, ठीक ना, यही ना प्रूव करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू, ठीक ना बाबू। ठीक है, तो देखो आप लोग लिखोगे क्या, कैसे लिखो, लिखना इसको कैसे है, ठीक ना, आप लिखोगे माना कि R1 तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में, ठीक ना बाबू, किसी विद्युत परिपथ में संयोजित है, ठीक है, ठीक ना बाबू, और जिनसे धारा I प्रवाहित हो रही है, धारा देखो बच्चे सभी से धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक ना। तो अब देखो दो पॉइंट के बीच का विभवांतर, यानी ए बी के बीच का विभवांतर V1 मान लिए, बी और सी के बीच का विभवांतर V2 मान लिए, सी और डी के बीच के विभवांतर V3 मान लिए, ठीक ना बाबू, ऐसे में ठीक ना हम लिख दे रहे हैं, ठीक ना बाबू, चल देखो तो बाबू जो प्रूफ किए थे उसी को हम लिख दिए यहां पर, ठीक ना। देखो माना कि तीन प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में, यही से ठीक ना बाबू, श्रेणी क्रम में संयोजित है, इन सभी प्रतिरोधों से एक समान धारा I प्रवाहित होती है, तथा प्रतिरोध का विभवांतर देखो यहाँ से क्रमशः V1 V2 तथा V3 है, इसलिए ओम के नियम से देखो V1 का मान निकाले, जैसे यहाँ निकाले थे उसी तरह से हम यहाँ अलग कर दिए हैं, V1 इजकल टू IR1, V2 इजकल टू IR2, V3 इजकल टू IR3, अब सभी को यहाँ जोड़ दिए बाबू, ठीक ना, तो LHS को LHS की तरफ जोड़ दिए बाबू, और RHS को RHS की तरफ, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 इजकल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 हो गया, फिर जैसा वैसे रख दिए, यहाँ इस सब में I है बाबू, तो I का कॉमन ले लिए, समीकरण हो गया बच्चे 4 हो गया। मान लेते हैं कि तीनों प्रतिरोधों का समतुल प्रतिरोध R है बाबू, मान लेते हैं, यहाँ इसको इरेज कर देते हैं, यदि यदि तीनों प्रतिरोधों R1, R2 तथा R3 के समतुल्य समतुल प्रतिरोध मान लेते बच्चे R है, ठीक ना, R है तथा सभी प्रतिरोधों के बीच का विभवांतर भी है, सभी समतुल्य प्रतिरोध R है तथा विभवांतर विभवांतर मान लेते हैं भी है, ठीक ना बाबू, तो ओम के नियम से चल देखो भी बराबर हो जाएगा बच्चे IR, अरे उस समय ठीक है
भी बराबर आई आर, और सभी पर सभी विभवांतर के बदले में एक ही भी रखे थे इसलिए ई वाला हो जाएगा बाबू, यहाँ हो जाएगा इसके बदले में वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री इजकल टू हो जाएगा बच्चे आई आर, और इसके बदले में निकाले बच्चे आर वन प्लस में आर टू प्लस में आर थ्री इजकल टू में आई आर, आई से आई कैंसिल हो गया, देन फाइनली आर इजकल टू आर वन प्लस में आर टू प्लस में आर थ्री, चलो ई प्रूफ हो गया, ठीक ना बाबू। चलिए और समांतर क्रम में है उसको अगला लेक्चर हम कर लेते हैं, ठीक बाबू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा बच्चे तो आप शेयर